तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले ही बजाज कंपनी की तरफ से उनका ही जो आने वाला न्यू जनरेशन बजाज पल्सर एनएस 200 का जो एक न्यू टीजर सामने आया था ना उनके ही सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो वो जो टीजर वीडियो है तो उसके ही बाद अभी जाके एक और न्यू चीजें सामने आया है जिसके अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे, पहले बात तो ये पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल जिसके अंदर आपको नेविगेशन वाला जो ये सिस्टम है तो वो कुछ देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा एक और भी चीज जो की है ये जो हेडलाइट वाला पार्ट है ना, तो इसके भी अंदर आपको न्यू स्टाइल का जो डीएनएल का सेटअप है तो वो भी कुछ देखने को मिल रहा है। बाकी इसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकन ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले बजाज कंपनी की तरफ से उनके ही अपकमिंग बजाज पल्सर एनएस 200 के ही न्यू जनरेशन वाले मॉडल का जो एक टीजर वीडियो लॉन्च किया गया था ना, तो उसी टीजर वीडियो के ही बाद अभी जाके दो न्यू और चीजें सामने आया है जो कि भाई देखने के बाद मुझे तो कुछ यही लगा कि ये जो बजाज कंपनी का अपकमिंग बजाज पल्सर एनएस 200 जो आने वाला है ना, मतलब न्यू जनरेशन वाला मॉडल, तो उसके अंदर आपको पहले बात तो जो न्यू मीटर कंसोल देखने को मिलेगा तो वो अलग डिजाइनिंग वाला होने वाला है, जैसे कि देख ही सकते होंगे पूरे तरीके से ही डिजिटल वाला, जिसके अंदर आपको जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन या फिर जो फोन कॉल अलर्ट एसएमएस अलर्ट वगैरह जो भी कुछ है तो ये आपको चीजें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो भाई एक चीज देखने को मिला है ना हेडलाइट वाला पार्ट, तो वो जैसे कि देख ही सकते होंगे उसके अंदर आपको जो डीआरएल देखने को मिल रहा है तो वो अलग स्टाइल का है जो कि एलईडी के अंदर अंदर है। और इसके ही साथ इस वाले बाइक का भी जो हेडलाइट वाला पार्ट है जैसे कि देख ही सकते होंगे तो ये भी एलईडी के अंदर अंदर है। और इसके अलावा तो ये भी कुछ सीन है कि बजाज पल्सर एनएस 200 के ही जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल आएगा ना तो उसके अंदर भी आपको जो सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा तो वो भी होने वाला है, जो सामने यूएसडी फोक्स और पीछे जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर तो वो एक्सपेक्ट तो कुछ यही किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी कुछ बोला जा रहा है कि जो डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल एबीएस का जो ऑप्शन है ब्रेकिंग सिस्टम में तो वो भी देखने को मिलेगा बजाज पल्सर एनएस 200 के ही न्यू जनरेशन वाले मॉडल में। बाकी हाँ, इंजन में बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा न्यू चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है, मतलब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि पहले के तरह का जो इंजन है ना तो वो कुछ देखने को मिलेगा बजाज पल्सर एनएस 200 के ही न्यू जनरेशन वाले मॉडल में, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक 200 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल वाला इंजन जो कि भाई 4 बेल्ट वाला ही है। और ये जो इंजन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा ना तो वो भी है ऑलमोस्ट 25 bhp पर, ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो वो भी है भाई 19 Nm, मतलब लगभग 19 Nm। और इसके अलावा 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा तो ये भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो न्यू बजाज पल्सर एनएस 200 के ही जो मतलब न्यू जनरेशन वाला मॉडल आएगा ना तो उसके अंदर आपको 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो असिस्टेंट स्लीपर क्लच वाला जो ऑप्शन है तो वो मतलब ये भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और हाँ, लॉन्च जो होने वाला है ना तो ये वाला बाइक इसी 2024 साल के ही अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर जो है तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लॉन्च होने वाला है इस इंडियन मार्केट में और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में भी। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।